नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से ऐसी नई योगा सीरीज के अंदर। तो आज का जो आसन है, जो हम प्रोटोकॉल योगा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, उसी के अंदर एक आसन है जिसका नाम है शलभासन। तो शलभासन के अंदर क्या है, आपको के उल्टा लेटकर आपके पैर को पीछे से लिफ्ट करना होगा। तो ये आसन बहुत अच्छा है आपके लोअर बैक के लिए। बैक के संबंधित आपको अगर कुछ इश्यू है, बैक के रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो ये आसन बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और यकीन मानिए 8 से 10 दिन के अंदर ही आपको उसका रिजल्ट देखने को पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छा है, आपके बैक को स्ट्रॉन्ग करना है, फ्लेक्सिबल करना है, उसके लिए काम आएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए कि आप घर पे भी ये प्रैक्टिस करते जाए और बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। शलभ आसन। शलभ एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है पतंगा या टिड्डा। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकर आसन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकर आसन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें। अब अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के समीप इस तरह रखें कि आपकी हथेलियां आसमान की ओर हों और आपकी ठोड़ी जमीन पर हो। एक गहरी सांस लेते हुए सिर्फ अपने नितंब यानी कूल्हों की मांसपेशियों के सहारे अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। आप अपने पैरों को सिर्फ उतना ही ऊपर उठाएं जितना आप बिना अपने घुटनों को मोड़े उठा सके। आप पैरों को ऊपर उठाए रखने के लिए अपनी बाहों का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप अपने शरीर को स्थिर रख सके। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 20 सेकंड तक आराम से रहें। ये आसन सायटिका एवं पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द से राहत देता है, कूल्हों और गुर्दों के आसपास की मांसपेशियों को आकार देता है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर जांघों की चर्बी घटती है और वजन कम होता है। ये आसन हमारे पेट के लिए भी लाभकारी है और पाचन क्रिया में सहायक सिद्ध होता है। गर्भवती महिलाओं, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, हाई बीपी और हृदय के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पीठ के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो तो इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। 10 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे टांगों को वापस जमीन पर ले आए। अब मकर आसन में आने के पश्चात विश्राम करें। ये आसन आपके मानसिक तनाव और थकान को भी दूर करता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से शलभासन को किया जाता है, शलभासन करने के क्या फायदे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कुछ मेरे लिए सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी आपकी जो फैमिली है या फ्रेंड्स है वो भी अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग बना पाए। थैंक यू।